नगरीय निकाय चुनाव के दौरान नगरपालिका सभागार में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम नेहा सोनी, तहसीलदार रमेश परमार, सीएमओ आभा त्रिपाठी मुख्य रूप से मौजूद रहे। एसडीएम नेहा सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि पाली नगरपालिका चुनाव में नगर के 15 वार्डों से कुल 15,883 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्र में 24 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 3 संवेदनशील व 3 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। एसडीएम नेहा सोनी ने बताया कि बारिश के दौरान मतदान केंद्र भवन की हालत खराब होने के कारण 3 मतदान केंद्र में बदलाव किया गया है। एसडीएम ने बताया कि मतदान को शांति सुरक्षा के बीच संपन्न कराए जाने को लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी की जा रही है, साथ ही अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी पूर्ण की जा रही हैं। आज की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का हमने आयोजन किया हुआ है, इसमें हमने मतदान केंद्रों की जो सामान्य जानकारी है वो बताई। जैसे कुल 24 मतदान केंद्र हमारे हैं, कुछ मतदान केंद्र हमने बारिश के कारण बदले हैं, समय के लिए मतदान केंद्र को बनाया है, उसकी सूची भी हमने पृथक से जारी कर दी है कि कौन कौन से हमारे मतदान केंद्र हैं। तो कुल 15 वार्ड में हमारे 24 मतदान केंद्र होते हैं, जिसमें 3 हमारे संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, 3 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्रों पे भी हमने साफ सफाई की व्यवस्था शुरू करवा दी है, और मतदान केंद्रों के बाहर भी उस मतदान केंद्र के सामान्य जानकारी के बारे में भी हमने प्रिंटिंग करवाना शुरू कर दिया है, पुताई से वहाँ मतदान केंद्र के बाहर लिखवाया जाता है। कुल कितने मतदाता हैं? कुल अपने हमारे यहाँ पर नगर परिषद पाली में 15,883 मतदाता हैं। जी, अति संवेदनशील और संवेदनशील कौन कौन से वार्ड को चिन्हित? हमारे 3, 7, 6 ऐसी कुछ करके संख्या है हमारे मतदान केंद्रों की, वो मैं प्रत्यक्ष से जारी भी कर देती हूँ, वो हमारे संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र। बीर सिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।